हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि आपकी रीजनिंग की जर्नी चल रही है, और इस रीजनिंग में कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा और दूरी। ऑलरेडी आपकी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, और 5 क्लासेस में हमने 5 टाइप भी कंप्लीट कर लिए हैं बेटा, करेक्ट। 5 क्लासेस भी कंप्लीट हो गई आपकी, और 5 टाइप भी कंप्लीट हो गए थे। प्रीवियस ईयर क्लास में हमने 35 नंबर तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर दिए थे, और आपका टाइप जो चल रहा था फिफ्थ टाइप, फिफ्थ भी आपका बेटा कंप्लीट हो गया था, करेक्ट। टाइप फिफ्थ भी आपका कंप्लीट हो गया था। फाइनली आज स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, आज स्टार्टिंग करेंगे 36 नंबर, 36 नंबर से स्टार्टिंग करेंगे। और बेटा सॉरी, 35 भी हो गया था, 36 भी हो गया था, फाइनली कहाँ 37 नंबर पे आप पहुँचे ना, 37 नंबर से स्टार्टिंग करेंगे, 37 नंबर से। प्रीवियस ईयर क्लास में 36 नंबर भी हो गया था क्वेश्चन आपका, और फाइनली 37 नंबर से स्टार्टिंग करेंगे। ये बेटा आपका नेक्स्ट लेवल भी शुरू हो जाता है। टाइप आपका यहाँ से 6 शुरू हो जाता है, टाइप 6 आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और देखिए जो आपका टाइप 6 है ना बेटा, कुछ अलग ही टाइप है, हाँ, तभी तो कैटेगराइज में बैठा हुआ है। चलिए इसको पढ़ने से पहले बेटा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आज आपकी 6 क्लास है, आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने चैनल पे मिल जाएंगी सारी क्लासेस। जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे बेटा, वीडियो को शेयर लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए, शेयरिंग लिस्ट आपसे ही बढ़ेगी बेटा, करेक्ट। स्टार्टिंग करते हैं अपने 37 नंबर क्वेश्चन से, और देखते हैं क्या बोला गया इसमें। सबसे पहले मैं एक बात आपको रिपीट कराना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप फैमिलियर भी हो चुके हैं, काफ़ी इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। 90 डिग्री क्लॉक वाइज बोलने का मतलब क्या होता था, नॉर्मल राइट, 1 राइट, करेक्ट। और 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज बोलने का मतलब क्या होता था, नॉर्मल लेफ्ट, मतलब 1 लेफ्ट। ये कंडीशन पर कब फॉलो होती थी, ये कंडीशन तब फॉलो होती थी जब कोई व्यक्ति सीधा खड़ा होता था। क्या ये कंडीशन कब फॉलो होती थी, जब कोई व्यक्ति सीधा खड़ा होता था, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम, आई होप नहीं हो, क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चन भी हमने किए थे। अब बेटा आपका टाइप चल रहा है 6, तो इसमें देखिए आपसे कुछ अलग ही करने को बोलेगा। देखिए पढ़ते क्या लिखा है, इन मॉर्निंग अ पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हैंड डाउन एंड लेग अप, इफ एट दिस टाइम हिज फेस इट टुवर्ड वेस्ट, हाँ, देन इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी। देखिए हिंदी लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर बेटा, तब उसका जो सिर है वह नीचे और सिर नीचे और पैर ऊपर थे, करेक्ट। इसके बाद यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बाएं हाथ की दिशा किस डायरेक्शन में होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, लिखते हैं एक सुबह, हाँ, इन मॉर्निंग टाइम है, और बेटा ये योगा करेगा, और ये योगा करेगा कुछ अलग ही टाइप्स हैं, हाँ? देखते हैं, बहुत ही मजा आएगी इसको योगा कराने में, और देखते हैं कैसे कैसे योगा करेगा ये भी देखने में, बहुत इमेजिन करना, आप भी करना, हाँ? और योगा करने से शरीर का स्वस्थ रहता है, फिट रहता है। चलिए एक सुबह, हाँ, इन मॉर्निंग एक व्यक्ति योगा कर रहा था, पर कंडीशन है कैसे कर रहा था, देखिए तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, हाँ। चलिए एक सुबह मॉर्निंग की बात है, तो उसकी फेस की जो डायरेक्शन है इसकी, तब कहाँ थी, जब ये उल्टा व्यक्ति खड़ा था, जब तब इसकी फेस की डायरेक्शन जो है कहाँ पे थी, टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में, हाँ, वेस्ट डायरेक्शन में। पर ये कब थी, जब व्यक्ति उल्टा खड़ा है तब थी ये, हाँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
ये फिर से रिपीट कीजिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्मल राइट, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्मल लेफ्ट, मतलब वन लेफ्ट। हाँ, ये कब कंडीशन फॉलो होती थी, जब व्यक्ति आपका सीधा होता था। पर अब देखिए टाइप आपका नेक्स्ट चल रहा है, 6 नंबर टाइप चल रहा है, इसमें व्यक्ति का जो मुंह है वो नीचे है, हेड डाउन और लेग इसके ऊपर है, ये उल्टा खड़ा है कुछ। और आज आप एक्सपेरिमेंट करके भी देखना, आप उल्टा खड़े होना, इसके बाद आपको पता चल जाएगा आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड किधर होगा। हाँ, वो भी बताएंगे अभी। देखिए ये कब था, जब व्यक्ति उल्टा खड़ा था। तो पता क्या लगाना है इसमें, पता आपको ये लगाना है कि तब आपको पता लगाना है इसकी लेफ्ट हैंड की दिशा किधर होगी, लेफ्ट हैंड जो है इसका, हाँ उसकी दिशा किधर होगी, ये आपको पता लगाना है। सबसे पहले बेटा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हाँ जो व्यक्ति उल्टा है सबसे पहले आपको उसको सीधा करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई, सबसे पहले तो आप व्यक्ति को सीधा करिए। जब आप व्यक्ति को सीधा करेंगे तो ये वेस्ट में इसके मुख की डायरेक्शन थी, करेक्ट। जब आप इस व्यक्ति को सीधा करेंगे तब तो इसके मुख की जो डायरेक्शन है बेटा वह किधर हो जाएगी, जो कि मुख की डायरेक्शन है, हाँ फेस की डायरेक्शन, वह पहुंच जाएगी ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ? ईस्ट डायरेक्शन में। अब व्यक्ति को आपने सीधा करके फाइनली ईस्ट डायरेक्शन में इसका फेस पहुंचा दिया है, हाँ वेस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका फेस पहुंचा दिया है। अब आपसे पूछा क्या गया, पूछा आपसे गया ये कि इसकी लेफ्ट हैंड जो है बेटा वो किस डायरेक्शन में, हाँ लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन इससे आपसे पूछ ली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करने में बहुत ही मजा आएगी, आप भी एक्सपेरिमेंट करना। चलिए सबसे पहले क्या, जब व्यक्ति उल्टा खड़ा था तब इसकी जो फेस की डायरेक्शन थी वेस्ट थी। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको व्यक्ति को सीधा करना है, जब आप व्यक्ति को सीधा करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में इसका फेस हो जाएगा, ठीक है। तब आप बता सकते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन क्या होगी, इसको बिल्कुल इमेजिन करके देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब देखिए इसकी असल में ये क्या कर रहा था, ये आपकी फोर मेन डायरेक्शन होती थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, करेक्ट। चलिए अभी वह व्यक्ति योगा कर रहा है ना, योगा कराते हैं, और जब योगा कर रहा है, हाँ जब वह व्यक्ति योगा कर रहा है, हाँ तब उसका मुख जो है, फेस जो है किस डायरेक्शन में है, आप बोलेंगे वेस्ट डायरेक्शन में, करेक्ट। अभी यह उल्टा था, करेक्ट। अब जब व्यक्ति को आप सीधा करेंगे तब इसका फेस कहाँ पहुँच जाएगा, फेस आप इसका पहुँच जाएगा बेटा ईस्ट डायरेक्शन में, करेक्ट। ईस्ट डायरेक्शन में इसका फेस पहुँच जाएगा। अब इसके हैंड जो हाथ है इसके, उनकी डायरेक्शन आपको बतानी है, उनकी डायरेक्शन आपको बतानी है, करेक्ट। अब देखिए बेटा यहाँ से, अभी जब व्यक्ति ये उल्टा था, जब व्यक्ति उल्टा था तब इसकी जो हैंड थे वो लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में था और राइट हैंड किस डायरेक्शन में था, पहले तो आप ये बताइए मुझे। आप खड़े होना, करेक्ट, आप खड़े होना, ठीक है। जब आप लेफ्ट खड़े होंगे ईस्ट डायरेक्शन में तो आपका जो लेफ्ट हैंड है ना बेटा, लेफ्ट हैंड आपका किधर होगा, लेफ्ट हैंड आपका होगा अपर साइड और राइट हैंड होगा लोअर साइड, करेक्ट। लेफ्ट हैंड होगा आपका अपर साइड और लोअर साइड पे होगा आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड। ये कब, जब व्यक्ति उल्टा खड़ा है, हाँ अभी ये व्यक्ति क्या था, उल्टा खड़ा था, क्या उल्टा खड़ा था, ठीक है। तब इसकी लेफ्ट और राइट हैंड की डायरेक्शन ये थी और फेस इधर था। जब व्यक्ति को आपने सीधा किया, अब यहाँ पे आपने व्यक्ति को क्या कर दिया बेटा, सीधा कर दिया। जब आपने व्यक्ति को सीधा किया तब देखिए आपकी जो हाथों की डायरेक्शन है बेटा सेम रहती है, देखिए आप इमेजिन करना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इमेजिन करना, करेक्ट। जब इसके हाथों की डायरेक्शन, जब देखिए आप इस डायरेक्शन में आप फेस करके खड़े हुए तो लेफ्ट हैंड आपका अपर साइड होगा, लोअर साइड में आपका राइट हैंड साइड होगा। कहने का मतलब ये हुआ आप उल्टा खड़े हुए या सीधा खड़े हुए, ठीक है, आपकी जो हाथों की डायरेक्शन है वो बेटा नहीं बदलेगी, करेक्ट। राइट हैंड साइड राइट हैंड में ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, आप इमेजिन करना और आप ऐसे करके उल्टा खड़े होना, करेक्ट। चलिए चलो तो सब, हाँ ये था आपका बेसिक समझने के लिए। तब देखिए ईस्ट का वन लेफ्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट का वन लेफ्ट हो जाएगा बेटा, हाँ ईस्ट आपका ये है ईस्ट,
और ईस्ट का बेटा वन लेफ्ट हो जाएगा आपका, कहाँ पे पहुंच जाएंगे आप, नॉर्थ में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉर्थ करेक्ट। ये आपका 100% सही उत्तर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। पर कुछ बच्चे होंगे जिसके आंसर कौन कौन से आ रहे होंगे, सी नंबर भी आ रहा होगा और डी नंबर भी आ रहा होगा, वो कैसे, उन्होंने बेटा कुछ हाँ वेस्ट एक्स ने पता है कैसे खड़ा किया होगा उसको। हालांकि आप नॉर्मली योगा करेंगे जब आप उल्टे खड़े होंगे तो आपकी जो फेस हाथों की जो डायरेक्शन है वो बेटा आपके सिर के नीचे होगी, हाँ हाथों की सिर की डायरेक्शन आपके सिर के नीचे होगी, हाथ आपके नीचे होंगे तभी आप खड़े हो पाएंगे। और सेकंड सिचुएशन आप ऐसे भी किसी बच्चे ने बनाई होगी कि उसने क्या किया होगा, उल्टा तो वो खड़ा है पर हाथों की डायरेक्शन पता है उसने कैसे ले ली गई होगी, ऐसे ठीक है। पर एक्चुअल पता है कैसे बनेगा आपका, अभी आप क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो फिगर आपका कुछ ऐसे बनेगा, जब आप उल्टा खड़ा किए हैं तो लेफ्ट हैंड आपका ये और राइट हैंड आपका इधर होगा, करेक्ट। इमेजिन करिए आप जब उल्टा खड़े हैं, करेक्ट, तो मतलब ऐसे बनेगा, ऐसे इमेजिन करिए आप ऐसे, करेक्ट, हाँ ऐसे, ना ही तो आपको ऐसे होना है ना ही ऐसे होना है, आपको सीधे हाथ रखना है फिर उस डायरेक्शन में आप कैसे भी ईस्ट वेस्ट, हाँ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट, करेक्ट, ऐसे डायरेक्शन में खड़ी है पर हाथ को आपको सीधा ही रखना है, ऐसे करके नहीं खड़े होना, करेक्ट। चलिए बात समझ में आई, फिर से रिपीट कर लेना क्वेश्चन। चलो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हाँ फिर से रिपीट कर देना है सबसे पहले, हाँ तो फाइनली ये जो आपकी इमेजिन आपने करी है तो ये भी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, राइट आपकी 100% ये सही हो जाएगी। हालांकि ऐसा योगा करना पॉसिबल तो नहीं है, हाँ कि आप सिर कैसे खड़े होइए और आपका हाथ ऐसे रहे, तो सिर का सपोर्ट लेके आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते, जनरली कोई नहीं खड़ा हो सकता ना। चलो फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर जो है बेटा नीचे और पैर इसके ऊपर थे, यदि उसका मुख जो है पश्चिम दिशा की ओर हो, यदि उसका मुख जो है फेस की डायरेक्शन है पश्चिम दिशा की ओर हो, तब उसके बाएं हाथ की डायरेक्शन किस दिशा में होगी। दिशा कि सबसे पहले तो आप व्यक्ति को सीधा करिए, जब आप व्यक्ति को सीधा करेंगे तो इसका फेस जो है वेस्ट से कहाँ पहुँच जाएगा, ईस्ट में, वेस्ट कहाँ पहुँच जाएगा, ईस्ट में, करेक्ट। इसके बाद आप क्या गया, ईस्ट डायरेक्शन क्या बतानी है आपको, लेफ्ट हैंड की, हाँ तो देखिए ईस्ट से आप लेफ्ट घूमेंगे 90 डिग्री, तो कहाँ पहुँचेंगे, नॉर्थ, तो नॉर्थ डायरेक्शन, ये इसकी लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन हो गई। और अगर पूछ लिया जाता राइट हैंड की डायरेक्शन क्या होगी, तो राइट हैंड की डायरेक्शन आप ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाते, ठीक है, ईस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाते ना। चलिए तो कहाँ पे आ गया इसका, चलो ये बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, फिर से रिपीट कर लेना, कन्फ्यूजन देखो नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाकी कोई भी दिक्कत हो क्लास रिपीट करके फिर से आप देख सकते हैं। चलो 38 नंबर पे पहुंचे बेटा, हाँ 38 नंबर पे। अब देखिए 38 नंबर आप कितनी जल्दी से कर लेंगे देखना, बहुत ही कम टाइम लगेगा आपको। इन मॉर्निंग अ पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हैंड डाउन एंड लेग अप, इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, हाँ यदि इस समय इसकी जो फेस की डायरेक्शन है जब वह उल्टा खड़ा है, हाँ जो इसकी फेस की डायरेक्शन है वह किधर है, फेस की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट, करेक्ट साउथ ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी, तब बताना है आपको इसकी लेफ्ट हैंड की जो दिशा है वह किधर होगी, लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन किधर है ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो व्यक्ति जब उल्टा खड़ा है तो उसको पकड़ के आप सीधा करिए, हाँ इसको पकड़ के जब आपने क्या किया सीधा, जब इस व्यक्ति को सीधा किया तब ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं, यहाँ पे करेक्ट, चलिए ये
अभी देखिए, हाँ अभी यहाँ पे देखिए, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अभी व्यक्ति उल्टा है, जब व्यक्ति उल्टा है तब उसकी फेस की डायरेक्शन किधर है, साउथ ईस्ट इसमें है, हाँ करेक्ट, यहाँ पे है करेक्ट, जब व्यक्ति उल्टा खड़ा है। अब जब इस व्यक्ति को आप सीधा खड़ा करेंगे, जब इस व्यक्ति को आप सीधा खड़ा करेंगे तो इसकी फेस की डायरेक्शन कहाँ पर हो जाएगी, फेस की डायरेक्शन आपकी आ जाएगी, कलर चेंज कर लीजिए, समझ में आए क्या किया गया यहाँ पे। जब इस व्यक्ति को आप सीधा करेंगे तो फेस की डायरेक्शन आपकी पहुँच जाएगी नॉर्थ वेस्ट दिशा में, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट दिशा में, कहाँ पे आ जाएगा ये, नॉर्थ वेस्ट दिशा में करेक्ट, कहाँ पे आ जाएगा बेटा, नॉर्थ वेस्ट दिशा में। इतनी बात समझ में आए, किसी को कोई दिक्कत, नो। चलिए अब आपको बताना क्या, इसके लेफ्ट हैंड की दिशा बतानी है। अब देखिए आप नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट से आप लेफ्ट घूमिए, कितना नॉर्मल 90 डिग्री लेफ्ट घूमिए, नॉर्थ वेस्ट आपका ये है। अगर इस रोटेशन में जाएंगे तो क्लॉकवाइज होगा, इस रोटेशन में आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप देखिए आंसर कैसे देना है आपको, लेफ्ट हैंड मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो देखिए यहाँ से आप जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तब आप कहाँ पे आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे हम आ गए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब कि इसका घूमे का मतलब ये हुआ, इसकी जो देखिए 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 फ्यूचर समझिए, अभी ये उल्टा खड़ा था तब इसकी फेस की डायरेक्शन किधर थी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तब इसका जो लेफ्ट, ये जो हाथों की डायरेक्शन है किधर, साउथ ईस्ट वेस्ट में होगी एक हाथ, और एक हाथ कहाँ पे होगा इसका, नॉर्थ ईस्ट में करेक्ट। जब व्यक्ति को आप सीधा करेंगे, जब व्यक्ति को आप सीधा करेंगे तब बेटा हाथों की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में ही रहेगा करेक्ट। तब देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसका कहाँ पे होगा, साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आया समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बेटा आपका देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, इन मॉर्निंग अ पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हैंड डाउन एंड लेग अप, इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टूवर्ड साउथ वेस्ट, हाँ देन इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी। हाँ चलिए, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे करेक्ट, योगा कर रहा था सिर नीचे और पैर ऊपर, एट दिस टाइम हाँ फेस जो है इसका टूवर्ड साउथ वेस्ट, जब इस ये उल्टा व्यक्ति था तो इसकी जो फेस की डायरेक्शन थी वह कहाँ पे थी, देखिए क्या लिखा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में था, कब था, जब ये कंडीशन उल्टी थी करेक्ट। तब आपको बताना क्या है, देन इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड की दिशा आपको बतानी है, सीधे दाएं हाथ की दिशा, तब आपको राइट हैंड की दिशा आपको बतानी है करेक्ट बेटा। चलिए इसको भी सॉल्व करते देखिए कितने आसान वे में हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो आप व्यक्ति को, हाँ ये अभी कब कंडीशन में है, जब वह उल्टा खड़ा है, व्यक्ति को पहले तो आप सीधा कीजिए, हाँ या आप ही अपने ऊपर इमेजिन करना और आप ही उल्टा सीधा खड़ा होकर देखना, ठीक है बेटा। और रीजनिंग जो है आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है सारे चैप्टर। जब आप इस व्यक्ति को सीधा करेंगे, ग्राफ भी बना लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा बेटा, आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये आपकी कुछ मेन डायरेक्शन होती हैं, कितनी, चार, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सब पहचानने भी लगे हैं आप। अभी देखिए जब व्यक्ति उल्टा है तब उसकी जो फेस की डायरेक्शन है कहाँ पे है, फेस की जो इसकी डायरेक्शन है वो है आप इसकी साउथ वेस्ट करेक्ट बेटा, फेस की डायरेक्शन इसकी साउथ वेस्ट, और फेस किसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, आप बोलेंगे साउथ वेस्ट, जब वह उल्टा खड़ा है। अब इसी व्यक्ति को आप, जब आप इसी व्यक्ति को सीधा कर देंगे, इसी व्यक्ति को जब आप सीधा कर देंगे तो फेस की डायरेक्शन इसकी कहाँ पे आ जाएगी, तो फेस किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा में, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट दिशा में करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट दिशा में। तब बताइए कि राइट हैंड की डायरेक्शन किस दिशा में होगी, तब बताइए कि राइट हैंड जो है आपका वह किस दिशा में होगा करेक्ट। तो देखिए आप बेटा साउथ वेस्ट से,
साउथ वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाइए, क्योंकि अब आपको राइट देना है। नॉर्मल राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो साउथ वेस्ट से अब 90 डिग्री जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे घड़ी की सीधी दिशा में, तो आपकी राइट हैंड किधर हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा आपका नॉर्थ, राइट हैंड हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट दिशा में। अरे यार, नॉर्थ वेस्ट दिशा में। और लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड जो होगा बेटा वह हो जाएगा साउथ ईस्ट दिशा में। आपसे पूछा क्या गया है राइट हैंड, तो राइट हैंड की दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। ये आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नॉर्थ वेस्ट, सी नंबर आपका जो कि करेक्ट है, सी नंबर आपका करेक्ट है। बात समझ में आई, ऐसा ही समझना है एकदम बिल्कुल आसान वे में, स्मार्ट अप्रोचेस एंड ट्रिक के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर देखते हैं क्या बोला गया है। इन मॉर्निंग अ पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हैंड डाउन एंड लेग अप, इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टूवर्ड्स साउथ। जब वह व्यक्ति उल्टा खड़ा है तब उसका जो फेस की डायरेक्शन है, फेस की जो डायरेक्शन है वह बेटा साउथ दिशा में है, साउथ दिशा में है, करेक्ट। इसकी फेस की डायरेक्शन कहाँ पे है, आप बोलेंगे साउथ डायरेक्शन में। जब व्यक्ति उल्टा खड़ा है तब इसकी जो फेस की डायरेक्शन है वह कहाँ पे है, साउथ में। ये किस कंडीशन में है, जब वह व्यक्ति उल्टा खड़ा है। और आपको फाइंड क्या करना है, देन इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी, तब आपको दाएं हाथ की दिशा बतानी है। फाइंड क्या करना है आपको, राइट हैंड। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फैमिलियर हो चुके हैं कि राइट हैंड बोलने का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्मल राइट, हाँ, तब आपको ये बताना है। सबसे पहले तो आप देखिए टाइप कौन सा कर रहे हैं बेटा, सिक्स, बार बार आपको याद दिला रहे हैं टाइप सिक्स में। आप देखिए फिर से इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करनी पड़े। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये आपकी फोर मेन डायरेक्शन थी, ये आपकी फोर मेन डायरेक्शन थी। इसके बाद जब व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो फेस इसका कहाँ पे है बेटा, साउथ में। तब इसका फेस कहाँ पे है, साउथ में। ये कब, जब उल्टा खड़ा है। अब आप इसी व्यक्ति को जब आप सीधा करेंगे, तो इसकी फेस की डायरेक्शन पहुंच जाएगी कहाँ पे बेटा, नॉर्थ में, करेक्ट। सबसे पहले तो आपको व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, सीधा। जब आपने व्यक्ति को बेटा सीधा कर दिया तो इसके फेस की जो डायरेक्शन है वो साउथ से कहाँ हो जाएगी, नॉर्थ में, साउथ से हो जाएगी नॉर्थ में। ये बात समझ में आई, करेक्ट। इसके बाद आपको राइट हैंड की डायरेक्शन निकालनी है, लेफ्ट हैंड की। फाइनली आप दोनों की निकाल सकते हैं, पर आपसे पूछा गया उसी का आप तो आंसर देंगे। आपको निकालना है राइट हैंड, तब देखिए बेटा राइट हैंड आया क्या आपका फाइनल डायरेक्शन, नॉर्थ। नॉर्थ से बेटा नॉर्मल राइट, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिए, वही आपकी राइट हैंड की दिशा होगी, करेक्ट। नॉर्थ में है, नॉर्थ से बेटा, अब नॉर्थ से जब आप 90 डिग्री नॉर्मल क्लॉकवाइज घूमेंगे, हाँ नॉर्मल क्लॉकवाइज घूमेंगे मतलब राइट, तो आप किस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका राइट हैंड, आप बोलेंगे मेरा राइट हैंड आ जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पे, ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, ऑप्शन नंबर आपका ए जो कि करेक्ट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 41। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय कविता की परछाई ठीक उसके बाई ओर है तो कविता का मुख किस दिशा में होगा। बेटा अब यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाता है, टाइप सिक्स आपके फाइनल कौन से क्वेश्चन से कंप्लीट हो गया, टाइप जो आपका सिक्स है 40 नंबर से हो जाता है ये क्लोज। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, जो कि आपका टाइप कौन सा है, जो कि आपका टाइप है 41 नंबर से शुरू होगा, शैडो वाले, परछाई वाले, हाँ किसकी परछाई किसके तरफ होगी, ये आगे या पीछे, इस टाइप से कुछ आपके आएंगे। देखते हैं ये टाइप में क्या पूछा जाएगा, ये भी टाइप आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, करने में बहुत ही मजा आएगी। चलिए 41 नंबर से आपका टाइप शुरू हो जाता है, टाइप आपका बेटा 7 शुरू हो गया है।
करेक्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। हाँ चलिए फिर से क्वेश्चन आप रिपीट कीजिए और देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कितने अच्छे तरीके से पूछा गया है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। और ये आपका परछाई से रिलेटेड है, मतलब क्या बेटा, शैडो से। हाँ शैडो से। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक से बेटा हम बताने जा रहे हैं। ये आपका किससे रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे सर ये जो है क्वेश्चन आपका शैडो से रिलेटेड है, परछाई से। करेक्ट, परछाई से रिलेटेड है। इसके बाद परछाई से आपका ये क्वेश्चन रिलेटेड है और टाइप आपका सेवेंथ स्टार्ट हो गया है और ये टाइप भी आपका बहुत ही इजी है। चलिए इसको सॉल्व कर, मतलब इसमें देखते हैं इस कंडीशन में आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ सकता है। तो देखिए इसमें आपको दो पॉइंट का यूज करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इस पर आपने ध्यान दे दिया तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए बहुत ही अच्छे तरीके से, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या आपको फॉलो करना है, कौन कौन से रूल आपको देखने हैं। देखिए टू पॉइंट का आपको इसमें ध्यान देना है, जो आपकी शैडो है बेटा, हाँ शैडो अगर लेफ्ट या राइट हुई, ठीक है, तब क्या होगा, अगर आपकी जो शैडो है शैडो आगे या पीछे, बैक साइड या क्या मैंने कहा आगे या पीछे हुई, तब आपका क्या होगा, पीछे होगी तो आपका क्या होगा। देखिए बेटा अगर आपकी शैडो जो है, अगर आपकी शैडो लेफ्ट या राइट बन रही है, अगर शैडो लेफ्ट या राइट बन रही है तो बेटा आपका जो फेस होगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, पता है हम बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से बताएंगे। हाँ बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको बताएंगे।